नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से फैसला जब से देखने को मिला है बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में, तब से अलग अलग राज्यों में लगातार नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसी संदर्भ में बीएड वर्सेस डीएलएड मामले में हिमाचल प्रदेश के एक नोटिफिकेशन को जारी किया गया, जिसमें बीएड की पात्रता को लेकर के एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है, जिसकी बात इस वीडियो में हम करेंगे। अधिसूचित किया जाता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या और यहाँ पर 11 अगस्त 2023 का जो फैसला है उसको पारित आदेशानुसार एनसीटी की 28/6/2018 की जो अधिसूचना है उसको निरस्त किए जाने के उपरांत बीएड अभ्यर्थियों को जेबीटी टेट में सम्मिलित नहीं किया जाना है। ये यहाँ पर बात किया गया है इस आदेश को लेकर के। उपरोक्त के अतिरिक्त प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय शिमला हिमाचल प्रदेश के जो निर्देश है उनके अनुपालना में बोर्ड कार्यालय द्वारा जारी टेट नवंबर 2022 की जो अधिसूचना थी, यहाँ पर नोटिफिकेशन आया था नवंबर 2022 में टेट से रिलेटेड, तो उसका क्रमांक संख्या दिया गया है और इसके तहत जारी जो टेट नवंबर 2022 के प्रोस्पेक्टस के जो नियम थे उसमें बीएड अभ्यर्थियों को जेबीटी टेट के लिए पात्र माना गया था, जिसको अब ये निरस्त जो है वो कर रहे हैं। तो इसको निरस्त किया जाता है, ये चीज यहाँ पर बताई गई है। अब केवल और केवल जेबीटी या /डीएलएड अभ्यर्थी ही जेबीटी टेट के लिए पात्र जो है वो माने जाएंगे। तो यहाँ पर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसको यहाँ पर लागू किया गया है। आगे भी लिखा जाता है जिन अभ्यर्थियों ने नवंबर 2022 में जो जेबीटी टेट के लिए आवेदन किया था, ऐसे अभ्यर्थियों को जेबीटी टेट विशेष परीक्षा दिनांक 15/10/2023 को संचालित की जाएगी, यानी जो परीक्षा है वो 15 अक्टूबर को होगी और इस परीक्षा में केवल JBT/DLED परीक्षार्थी ही भाग ले पाएंगे, जिसके लिए अभ्यर्थियों को अपना क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया को अपडेट करना अनिवार्य होगा कि वे JBT/DLED की योग्यता रखते हैं अथवा नहीं रखते हैं। उक्त सूचना में क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को अपडेट करने हेतु बोर्ड के द्वारा 1 अक्टूबर 2023 से 6 अक्टूबर 2023 तक जो बोर्ड की वेबसाइट है इस पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा और इस पर आप अपनी क्वालिफिकेशन अपडेट कर पाएंगे। जैसे केवीएस ने किया था सेम वैसे ही, इसमें भर्ती अपना आधार नंबर, एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डाल करके शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य रूप से अपडेट करें। और ये तो यहाँ पर उन्होंने सभी को लेकर के बात की गई है, ऊपर भी यही बात किया गया था कि अभ्यर्थियों को अपना क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया को अपडेट करना अनिवार्य होगा। बाकी आगे लिखा है कि उन्हीं अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी किया जाएगा जो बोर्ड वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक पर अपनी क्वालिफिकेशन को अपडेट करेंगे। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, सभी को अपडेट करना है अपनी क्वालिफिकेशन को और यहाँ पर उन्हीं का ही केवल और केवल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा जो अपडेट करेंगे। अपडेट ना करने की स्थिति में भर्तियों की पात्रता रद्द मानी जाएगी। अंतिम तिथि उपरांत वंचित रहेगा भर्तियों द्वारा दावे पर कोई विचार नहीं होगा। और उपरोक्त से संबंधित अगर कोई और जानकारी आपको चाहिए तो नीचे मोबाइल नंबर भी आपको दिया गया है। तो ये था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।